हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के 17 सितंबर से लेकर के अभी तक के पूछे गए मैथ के सभी सवाल। तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है अच्छे तरीके से। जिनका भी अभी एग्जाम बचा हुआ है तो उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जीके की, जिसमें जीके के सारे क्वेश्चन कवर किए थे 17 सितंबर से लेकर के अभी तक के, और एक वीडियो और मैं लेके आने वाला हूं आपके लिए जिसमें होंगे रीजनिंग के सभी क्वेश्चन। तो आप इन तीनों वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और प्लीज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आप अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज यार, छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। ठीक है, यहां पे पहला क्वेश्चन है, ए बी की आयु का जो रेशियो दे रखा है 5:4 दे रखा है। ठीक है, 3 साल बाद उनकी उनका जो रेशियो है वो हो जाता है 11:9। बी की वर्तमान आयु क्या है, बी की वर्तमान आयु आपको निकालनी है। तो इस टाइप के कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो सीधा सीधा आप कर सकते हैं कि ए और बी की आयु का रेशियो कितना है, 5 और 4 है। तो इनकी एज कितनी होगी, 5x और 4x। इसमें अगर मैं 3-3 साल प्लस कर दूँ, 3 साल बाद उनकी आयु का रेशियो ये हो जाता है ना, तो अगर मैं इनकी आयु में 3-3 साल प्लस कर दूँ तो रेशियो ये बन जाएगा, यानी कि इस रेशियो के इक्वल हो जाएगी इनकी आयु। तो आपने इन तीनों 3-3 प्लस कर लिया तो इस रेशियो के इक्वल हो गई। बस अब आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आप इजिली कर ही लेंगे। 9 की 5 में करेंगे डर कितना हो जाएगा, 45x, और 9 की 3 में करेंगे 27, और 11 की डर करेंगे 44x, और 3 में करेंगे तो 33। इनको x वालों के एक साइड में लेके जाएंगे, x हो जाएगा, और इसको इधर लेके जाएंगे तो बचेगा आपका कितना, 6 बचेगा। तो x की वैल्यू आपकी 6 आ गई। अब किसी की भी पूछे, b की पूछे, a की पूछे, b की पूछा यहाँ पे, तो b की एज कितनी है, 4x, तो x की जगह आप 6 रख दीजिए बस, तो 6 चौक 24, आपका 24 राइट आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। को बहुत सारे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से कवर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 80 दिन में कर लेता है। तो कंडीशन पढ़ लेते हैं। कंडीशन यहाँ पे क्या दी गई है, इसमें दिया गया है दोनों काम शुरू करते हैं, 3 दिन बाद ए काम को 5 दिन के लिए छोड़ देता है। ध्यान से सुनिएगा, ए काम को 5 दिन के लिए छोड़ देता है, तो पूरा काम होने में कितना समय लगेगा। तो इसको हम स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग कैसे करते हैं भाई, एलसीएम से स्टार्टिंग करते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 80। जो 80 आता है, सॉरी, हाँ ठीक है, तो 80 जो आएगा आपका, ये टोटल यूनिट ऑफ वर्क आ जाएगा। यानी कि जो ए कोई वर्क को 20 दिन में कर ले रहा है, वो वर्क क्या है, वो 80 वर्क है। तो यहाँ पे 80 वर्क जो आया है, इसको मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो ए का एक दिन का वर्क आ जाएगा। तो ए एक दिन में 4 यूनिट वर्क करता है, 80 को 80 से डिवाइड करूंगा तो बी एक दिन में 1 यूनिट वर्क करता है। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि दोनों ने काम शुरू किया, 3 दिन बाद एक काम को 5 दिन के लिए छोड़ देता, 3 दिन तक तो दोनों ने काम किया होगा ना, तो दोनों मिलकर के 5 यूनिट वर्क करते हैं, तो 3 दिन में कितना कर लेंगे, 15 यूनिट वर्क। तो आप 15 यूनिट वर्क को तो 80 में से, यानी कि टोटल वर्क में से माइनस कर दीजिए, जो कि 3 दिन का वर्क है, बचेगा कितना, 65 यूनिट वर्क। 65 यूनिट वर्क बच गया। अब 65 के बाद क्या हुआ कि ए कार्य को छोड़ के चला जाता है, ए कार्य को छोड़ के जाएगा तो बचेगा कौन, बी। बी कार्य करेगा, ठीक है, 5 दिन तक, क्योंकि ए जो है वो सिर्फ 5 दिन के लिए कार्य छोड़ के जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो बी एक दिन में 1 यूनिट वर्क करता है, तो 5 दिन में कितना करेगा, 5, तो 65 में से 5 इसको माइनस कर लेंगे, बचेगा कितने, 60। अब फिर दोबारा से ए ज्वाइन कर लेता है, और ए, अब ए और बी दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे 60 यूनिट को, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 12। तो टोटल दिन कितने हो गए, 3 ये थे, 5 ये थे, और 12 ये हो गए, तो कितने हो गए टोटल, 20 डेज में वर्क कंप्लीट होगा। तो टाइम एंड वर्क से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्यूब रूट से, तो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों ही मैं बताने वाला हूँ, आगे चल के स्क्वायर रूट भी देखेंगे। देखिए, जब भी किसी भी संख्या का आपको क्यूब रूट निकालना होता है, तो उसमें आप सबसे पहले 3 का पेयर बनाते हैं, ठीक है, और जो भी संख्या बच गई उसके बाद में, जैसे यहाँ पे लिखा है 1331, इसमें आपने 3 का पेयर बनाया, 331 का 1 पेयर बना लिया, और फिर बाद में कितना बचा, सिर्फ 1। तो आपको अगर यहाँ पे 1 बचा है तो बस 1 का पेयर होगा, और कुछ और भी बचता तो वो पेयर बन जाता, बट क्यूब रूट में सबसे पहले आपको 3 का पेयर बनाना होता है। 3 के पेयर में भी आपको इन दोनों से कोई मतलब नहीं होता, लास्ट वाली संख्या से मतलब होता है। लास्ट वाली संख्या देखने किसके क्यूब में आती है, ठीक है, किसके क्यूब में आती है, यहाँ पे देखना है आपको। तो ये केवल 1 के क्यूब में आएगी, तो आपको यहाँ पे 1 लिख देना है, और ये किस, इससे छोटा क्यूब किसका होगा, या इस जितना, तो ये सिर्फ 1 होगा, तो इसका राइट आंसर 1 ही हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं था आपको।
नेक्स्ट और आपका देखिए टाइम एंड वर्क से ही क्वेश्चन है। अभी देखिए मिक्स आएंगे, अब ये मत बोलिएगा कि एक तरफ से आपने क्या करा है, एक तरफ से आपके कोई टाइम एंड वर्क कोई सभी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए किसी काम को 25 दिन में कर लेता है, बी किसी काम को 20 दिन में कर लेता है, कंडीशन क्या दी गई थी, दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म होगा। दोनों मिलकर यानी कि 5 दिन में कार्य करते हैं, ठीक है। तो 5 दिन में कार्य कितना कर लेंगे भाई, ए टोटल वर्क आपका कितना हो गया 100 यूनिट, यानी कि इनका एलसीएम ले लिया, 100 को 25 से भाग किया तो कितना आ गया 4 यूनिट, और 100 को 20 से भाग किया तो कितना आ गया 5 यूनिट, ठीक है। यानी कि ए एक दिन में 4 यूनिट वर्क करता है, बी एक दिन में 5 यूनिट वर्क करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 9 यूनिट वर्क करता है, तो 9 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 45 यूनिट। तो 45 को हमने माइनस कर दिया, बचा कितना देखिए यहाँ पे, आपका बच गया ये 55 यूनिट वर्क। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कंडीशन, कंडीशन में देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग होगा आई थिंक, यहाँ पे बोला गया होगा कि बी बचे हुए कार्य को बी कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 55 यूनिट वर्क को हम बी का एक दिन में 5 यूनिट वर्क करता है, तो 55 को 5 से भाग कर देंगे तो 11 दिन में इसको कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन होगा, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा क्वेश्चन मिलना बड़ा मतलब पूरी लैंग्वेज मिलना मुश्किल होता है, तो उस टाइम तो मेरे याद होगा, बट अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि फाइंड द सेमी पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, भुजा यहाँ पे आपको दे रखी है, तो इन सभी का आपको क्या करना है, सम करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, तो 15 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक नेक्स्ट आपका देखिए रेशो से, रेशो में आपको ए बी का रेशो दे रखा है 2:3 और बी सी का रेशो दे रखा है 4:7, ए बी सी का रेशो पूछा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है, उल्टा एन होता है ना इस तरीके से, ये आपको बनाना है, ठीक है, ये तरीके से ये उल्टा एन बनाना है, यानी कि सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 की और 4 की करेंगे 8 हो जाएगा, और 4 की 3 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 3 की 7 में करेंगे तो 21 हो जाएगा, तो यही रेशो बन जाएगा। अगर किसी कॉमन नंबर से नहीं कट होता है तो ये किसी कॉमन नंबर से कट होगा, नहीं तो यही रेशो हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका था। एक क्वेश्चन आपका देखिए सीपी और सेल, यानी कि सीपी दे रखा है आपको 320, सेलिंग प्राइस दे रखा है 400, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो कई बार आपकी जो परसेंटेज के और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि बहुत ही सिंपल है, इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आएगा 80, अभी 80 प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट किस पे निकलता है सीपी पे, तो सीपी कितनी है 320, तो 80 अपॉन में 320 और गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें निकालनी है परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इसको कट करेंगे हम किससे 8 से, तो कितनी बार जाएगा 10 टाइम, और इसको करेंगे कितनी बार जाएगा, यहाँ 0 से 0 हो जाएगा 4 टाइम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 100 अपॉन में 4, तो 25% आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखिए एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी पूछा गया था कि जिसमें ए बी बी सी और सी डी का भी, अभी मैंने बताया ना आपको यहाँ तक बस, एक ऊपर कर क्वेश्चन करके आए हम, उसमें आपको बताया था सिर्फ ए बी और बी सी तक, अब की बार सी और डी भी ऐड हो गया है, और इसमें पूछा है ए बी सी डी का रेशो क्या होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन ये लिखा ना 3:4, 8:9, 12:13, सबसे पहले इस लाइन की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए का रेशो आ जाएगा, पूरी लास्ट वाली मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डी का आ जाएगा, बचे कौन बी और सी, तो बी और सी का क्या मैंने बता रखा है सॉरी बी और सी का है मैंने बताया आपको, इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है इस लाइन में, ये नीचे वाले दो और लास्ट वाला ऊपर सेकंड लाइन का, ठीक है, तो किसका आ जाएगा बी का, और फिर इस लाइन से सिर्फ नीचे वाला और ऊपर वाले दो, तो यहाँ पे सी का आ जाएगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये राइट आंसर बन जाएगा। छोटी सी ट्रिक है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो इस पूरी लाइन की आपने मल्टीप्लाई की, कितना आ गया 288, यहाँ पे इन दोनों की और इसकी मल्टीप्लाई की 384, इन इसकी और इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 432, और इस पूरी लाइन की मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 468, ठीक है। और नेक्स्ट आप अगर ये किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकते हैं तो डिवाइड कर देंगे, अदरवाइज ये आपका रेशो हो जाएगा। तो ये किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, जैसे 12 से हो जाएगा 24, 12 से हो जाएगा 32, 12 से हो जाएगा 36 और 12 से हो जाएगा 39, तो ये आपका रेशो बन जाएगा, ठीक है। तो रेशो क्या होता है आपका, जो लास्ट में जो कोई किसी भी कॉमन नंबर से कट नहीं हो सकता है वही आपका रेशो बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक था मोड से, देखिए मोड मीडियन के भी एक बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, वैसे अभी नहीं पूछे जा रहे हैं, तो क्या पता दोबारा से पूछे जाने लगे, तो एक बार देख लीजिए। यहाँ पे बताना था आपको एक ये पूरी दे रखी थी सीरीज 2:6:4:3:5:0:3:2:1:3:2:3 का मोड क्या होगा, तो यहाँ पे मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा रिपीट होती है संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3:3:3:3 चार बार है, कोई सा और नंबर चार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो आपका आंसर 3 हो जाएगा। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन कई बार पहले पूछे जा चुके हैं, अभी तो नहीं आ रहे हैं मोड मीडियन से, बट आगे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे एच सी एफ आपको निकालना है 108 और 27 का, तो कैसे निकालते हैं एच सी एफ, देखिए एच सी एफ निकालने का आप जैसे एलसीएम निकालते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप एच सी एफ भी निकाल सकते हैं। 108 और 27 लिखा है, इसका आपको निकालना है क्या एच सी एफ, तो क्या करना है, इसको
किसी भी कॉमन नंबर से जब तक ये कट होते रहेंगे दोनों, तब तक कट करते रहेंगे और जहां पे ये रुक जाएंगे बस वहीं पे आपका एचसीएफ आ चुका है। जैसे 9 से अगर मैं कट करूं 108 को भी और 27 को भी, तो ये 12 टाइम जाएगा और 3 टाइम जाएगा। फिर 12 और 3 किससे जाएगा, 3 से, तो ये 3 से 4 टाइम जाएगा और ये 1 टाइम जाएगा। अब 4 और 1 किसी कॉमन नंबर से कट हो सकता है? नहीं हो सकता, केवल 1 को छोड़ करके। 1 से तो डिवाइड करेंगे तो दोनों 4 और 1 ही रहेंगे, तो इसका मतलब किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, तो आप यहीं पे रोक दीजिए। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 9 × 27, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे होता आपका निकालना होता एलसीएम, तो एलसीएम में अभी हम आगे भी चलते, आगे क्या चलते, 4 से और डिवाइड करते, तो यहाँ पे कितना हो जाता आपका 1 और 1, और फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई करते, वो आपका एलसीएम हो जाता। ठीक है, तो एचसीएफ एलसीएम दोनों आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एलसीएम देखें यहाँ पे निकाल सकते हैं आप, एलसीएम का बिल्कुल सीधा सीधा से जैसे मैंने ऊपर बताया वैसे तो निकाल ही सकते हैं। अब आपको एक ऐसी संख्या देखनी होती है जिनका भी आपको एलसीएम निकालना होता है उन तीनों से भाग हो जाए, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो जिनका आपको एलसीएम निकालना है उनसे भाग हो जाए। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है भाई, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो 180 और 60 को देखो, इन दोनों के एलसीएम क्या होगा, 180 में ले सकता हूँ। बट फिर यहाँ पे आती है प्रॉब्लम 40 की, कि 180 40 से भाग नहीं होगा, तो इसका मतलब मुझे कुछ आगे स्टेप चलना पड़ेगा। आगे क्या चलेंगे आप सोच करके देखिए, कि मैं आगे इस 40 को हटा दूं तो एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का 180 हो जाएगा। बट अब इसमें 40 अगर मैं ऐड कर देता हूं, यानी कि इन तीनों का निकालने के लिए बोलता हूं, तो 180 तो नहीं होगा, क्योंकि 180 40 से भाग नहीं होगा। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप कितना चलना पड़ेगा भाई, आपको ये ऑब्वियसली बात है कि अगर एक स्टेप आगे चलूंगा तो सबसे बड़ा स्टेप क्या चलूंगा जिसमें हमारा ये 180 भी कवर हो जाए। ठीक है ना, ऐसे स्टेप चलूंगा, ये थोड़ा कर दूंगा कि मैं 190 कर लेता हूँ, 190 में ये तो कवर नहीं होगा, 200 में भी कवर नहीं होगा। ठीक है, 210 220 इस तरीके से आप बढ़ाते हुए चलेंगे, नहीं कवर होगा। तो आपको क्या चीज करना है कि जो ये बड़े वाला नंबर होता है ना उसको डबल करते जाइए, जब तक सारे के सारे नंबर आपके उसको डिवाइड ना करते जाए तब तक उसकी एक एक डिजिट बढ़ाते जाइए। यानी कि 180 था तो इसको डबल कर दीजिए, 360 हो गया। अब 360 से तीनों को डिवाइड करके देखिए, वो तो हो ही जाएगा, जो बड़े वाली संख्या होगी वो तो डिवाइड हो ही जाएगी, बाकी की दो और चेक करके देखिए कि वो भी डिवाइड हो रही है क्या, अगर वो डिवाइड हो रही है तो वही आपका एलसीएम बन जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। एक बार और बता देता हूँ, देखिए जो भी संख्या होगी बड़े वाली, यहाँ पे इन तीनों में अगर एलसीएम निकालना है, मैंने अभी आपको समझाया कि इन दोनों का निकालना तो 180 हो गया, बट 40 भी, अगर 40 का भी निकालना है, इन तीनों का निकालना है, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि 40 भी भाग होना चाहिए, 180 को तो 40 कंप्लीट डिवाइड नहीं करता है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 180 का डबल लेना पड़ेगा, क्योंकि जिसमें ऐसा नंबर लेना पड़ेगा ना जिसमें 180 भी कवर हो जाए, तो 180 तो कवर होगा 180 के ही डबल में, तो मैंने 360 कर दिया, 360 में ये तो हो ही जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा, बाकी ये इसको चेक करना है तो इसको चेक करके देखिए, ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो आपका 360 ही राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका देखें यहां पे है स्क्वायर रूट से क्वेश्चन, तो 12544 का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, स्क्वायर रूट में मैंने बताया था 2 का पेयर बनाना है और क्यूब रूट में आपको 3 का पेयर बनाना है, तो इसमें 2 का पेयर बना, बाकी की जो बचे उनका एक अलग पेयर बना दिया। 2 के पेयर में भी आपको जो लास्ट वाली संख्या होगी ना सिर्फ उससे मतलब होना चाहिए कि वो किस किस के स्क्वायर में आती है, तो ये 2 के और 8 के स्क्वायर में आती है। ठीक है, सीधी सीधी सी बात है, 2 के और 8 के स्क्वायर में आएगी है, तो 2 और 8 के स्क्वायर के में आ रही है, जैसे 2 दुनी 4 और 4 8 × 64। ठीक है, तो 8 × 64 के बाद में भी 4 आ रहा है और 2 में भी 4 आ रहा है, तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। अब आपको देखना है यहाँ पे कि जो ये लास्ट में 3 डिजिट बची है इससे छोटा स्क्वायर किसका है, इससे बड़ा नहीं चाहिए, इससे छोटा चाहिए, इससे छोटा स्क्वायर आपका 11 का है, 121, क्योंकि 12 का करेंगे 144 हो जाएगा, तो आपका आधा आंसर तो आ चुका है। यहाँ पे 11 आप लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 11 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 11 तो आपने लिख दिया, ये तो आपको हमेशा जो भी यहाँ पे संख्या होगी ना उससे छोटा स्क्वायर जिसका भी होगा वो वहाँ पे आपको लिख देना है, तो यहाँ पे 11 तो आपने लिख दिया। अब आपको चेक करना है कि मैं 2 लिखूँ लास्ट में या 8 लिखूँ, इस 11 के एंड में मुझे क्या लगाऊं, मतलब कि 2 लगाना है या 8 लगाना है, इसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि जो 125 लिखा है ये किसके ज़्यादा पास है, ये 11 के स्क्वायर के यानी कि 121 के ज़्यादा पास है, 144 के ज़्यादा पास है, ये आपका 121 के ज़्यादा पास है, सीधा सीधा आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे छोटे वाली संख्या लिख दीजिए यानी कि 2। अगर ये 144 के ज़्यादा पास होता तो आपको ये बड़े वाली संख्या का स्क्वायर था, तो यहाँ पे बड़े वाली संख्या यानी कि 8 लिख देनी थी अगर ये इसके पास होता। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है।
लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दे रखी है 220 मीटर, लेंथ ऑफ ट्रेन दे रखी है 80 मीटर और स्पीड ऑफ ट्रेन दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम आपको बताना है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आपके आ चुके हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करके जाती है, किसी भी लंबी चीज को पार करके जाती है, आपको क्या करना है, दोनों की लंबाई को प्लस करना है और ट्रेन की स्पीड से भाग कर देना है। अब ध्यान रखिएगा, ट्रेन की लेंथ अगर मीटर में दे रखी है तो आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में होगी, अगर ट्रेन की लेंथ किलोमीटर में दे रखी है तो स्पीड आपकी किलोमीटर में होगी। ठीक है, तो यहां पे लेंथ आपकी मीटर में है तो इसको पहले सबसे पहले तो मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों को प्लस करेंगे और स्पीड ऑफ ट्रेन से डिवाइड कर देंगे। तो 220 प्लस 80 और भाग करेंगे किससे, 54 किलोमीटर, जो प्रति घंटा लिखा है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके उसको भी हम सेकंड में बदल लेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो 18 से 54 जाएगा 3 टाइम और 3 की 5 में करेंगे 15 मीटर पर सेकंड का आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, दोनों को प्लस किया 300, 300 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 20 सेकंड में पार कर जाएगी। तो आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 22 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 33 दिन में कर लेता है। कंडीशन पढ़ते हैं, ए लेफ्ट वर्क बिफोर 3 डे, देन इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल कंप्लीट। यहां पे बोला जा रहा है कि अगर ए काम कंप्लीट होने से 3 दिन पहले काम को छोड़ दे तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप इनका एलसीएम ही लेंगे, एलसीएम आ गया आपका 66, जो कि टोटल यूनिट वर्क होता है। 66 को मैंने 22 से डिवाइड किया तो एक दिन का यूनिट वर्क आ गया। एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है। 66 को 33 से डिवाइड किया तो बी एक दिन में 2 यूनिट वर्क करता है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ए लेफ्ट वर्क बिफोर 3 डेज, यानी कि पूरा काम कंप्लीट होने से पहले ए 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो उन लास्ट 3 दिन में किसने वर्क किया होगा, बस आप मुझे ये बताइए। अगर ए काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है तो उन लास्ट तीन दिनों में सिर्फ केवल बी ने वर्क किया होगा। ठीक है, क्योंकि ए तो उन दिनों में छोड़ के जा चुका होगा। तो बी एक दिन में 2 यूनिट वर्क करता है तो 3 दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट वर्क। तो इस 66 में से 6 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 60 यूनिट। ठीक है, अब जो 60 यूनिट बचा है ये तो दोनों ने मिलके क्या होगा ना, जो 60 यूनिट वर्क बचा है ये तो दोनों ने मिलके क्या होगा, दोनों आपके जो है 3 और 2 यानी कि 5 यूनिट वर्क यहां पे आपका करते हैं। तो 60 यूनिट वर्क करने में कितना समय लेंगे, 12 यूनिट, 60 को 5 से भाग कर देंगे यानी कि 12 डेज और 3 दिन इसने पहले बी ने किया था लास्ट में मतलब, और 3 ही हो जाएगा तो 15 डेज में पूरा वर्क कंप्लीट होगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं। देखिए टाइम एंड वर्क से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है आपके, तो यहाँ पे टाइम एंड वर्क का ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब इसमें ये नहीं पता कि क्या कंडीशन थी और क्या पूछा गया था, तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को यहीं पर मैंने छोड़ रखा है पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि ब्रैकेट आपका फिर ब्रैकेट 2 की पावर 4 ब्रैकेट की पावर हाफ और उसकी फिर पावर से दोबारा एन, तो इस तरीके से आपको देखकर इक्वल टू में लिख रखा है आपका 256 और एन की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है। तो मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो ये वैल्यू लिखी होती है आपको उसी फॉर्म में लिखना पड़ता है जो यहाँ पे सबसे नीचे ये वैल्यू लिखी होती है। ठीक है, तो इसको आप देखिए 256 को कैसे लिख सकते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 8, कैसे, 2 into 2 into 2 into मैं 8 टाइम करूँगा तो ये आपका 256 ही आएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 8 में लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी पावर आपकी होती है इस तरीके से तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, पावर की पावर होती है तो उसमें मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 4 की मल्टीप्लाई होगी 1/2 में तो कितना हो जाएगा भाई, 2 बच जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 होता है तो 2 आपका बच जाएगा, तो 2 की पावर n यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 2 की पावर 8 हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो आपका कितना बचेगा इधर 2n और यहाँ पे कितना बचेगा 8, तो n की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं, कोई हार्ड नहीं होते हैं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी फास्ट और मजबूत होनी चाहिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन था आपका, सेलिंग प्राइस यहाँ पे था 828, सीपी दे रखा था 720, प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना था। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, बस सेलिंग प्राइस आपका 828 है और सीपी आपका यानी कि कॉस्ट प्राइस लागत आपकी 720 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 108, यानी कि इन दोनों को माइनस करेंगे और जो सीपी है होता है उससे डिवाइड करते हैं तो 720 से डिवाइड कर देंगे, इन 200 से करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 108 आ जाएगा और 720 से भाग करेंगे और गुणा कर देंगे 100 से तो कितना आएगा आपका 15%, इसको निकालेंगे तो 15% आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 78% ऑफ एग्जाम, देखिए इंग्लिश में पढ़ी हो, मैं आपको पूरा हिंदी में समझाऊंगा। 78% ऑफ एन एग्जाम
इज 780 मार्क्स देन फुल मार्क्स ऑफ द एग्जाम, यानी कि जो आपके 78% है ना वो किसके इक्वल है आपका 780 के, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होगा उस टाइम पे। अभी बहुत सारी क्वेश्चंस की चीजें भूल भी जाते हैं और एग्जैक्ट फॉर्म में शायद ना मिला उस टाइम पे क्वेश्चन, तो 78% जो है आपके वो 780 के बराबर है मान लीजिए, और टोटल परसेंट मार्क्स आपको निकालने हैं तो टोटल आपके कितने होते हैं 100% मार्क्स, तो 780 को 78 से भाग करेंगे और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो 1000 मार्क्स आपके टोटल आ जाएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन था। एक था आपका ए प्रोडक्ट इज सोल्ड इज 13% लॉस, किसी प्रोडक्ट को किसी वस्तु को आप 13% पे लॉस पे सेल करते हैं, इफ इट वाज सोल्ड इन मोर 49 रुपीज, अगर उसे 49 रुपीज ज्यादा में बेचा जाए देन 22% प्रॉफिट, तो 22% प्रॉफिट होता है। If we have to make a profit of 30%, अगर हमें 30% का प्रॉफिट कमाना है then selling price of the product, तो उसको कितने में बेचा जाए। तो देखिए सीधी सीधी सी बात है, एक प्रोडक्ट को बेचने पे पहले 13% लॉस होता था, अभी 22% प्रॉफिट हो रहा है, और ये सब किसकी वजह से हुआ है, ये इस 49 रुपीज जो बढ़ाए हैं ना, ये 49 रुपीज के बढ़ाने से हुआ है। ठीक है भाई, 13% का लॉस था, 22% का प्रॉफिट होने लगा सिर्फ 49 रुपीज बढ़ाने से, तो इसका मतलब पहले तो 13% लॉस से बाहर निकल के आया, 100% में न्यूट्रल हुआ, फिर उसके बाद में 22% प्रॉफिट भी कमाने लगा केवल इस 49 रुपीज की वजह से। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना है 35%, तो 35% की वैल्यू आपकी 49 हो जाएगी। समझे आप इस चीज को भाई, 35% की वैल्यू आपको मिल गई, तो आपको पूछा क्या गया, इफ वी हैव मेक अ प्रॉफिट ऑफ 30%, अगर 30% प्रॉफिट कमाना है तो कितने में चीज को बेचा जाए, अगर 30% का प्रॉफिट कमाना है तो आप सोचिए कि चीज को बेचना कितने में, तो 130% में बेचना होगा, 100% की चीज को 100 रुपए की चीज को 130 रुपए में बेचना होगा, तो क्या करेंगे, ये 49 की वैल्यू हमें पता है कितनी 35% की है, तो इसमें 130 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि भाई 35% की वैल्यू 49 है तो 130 की परसेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो 49 डिवाइड बाई 35 और 130 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दे रखा है कि ए शायद टंकी का और पाइप टंकी का क्वेश्चन है, ए किसी टंकी को 25 मिनट में भर देता है और बी एक टंकी को 50 मिनट में खाली कर देता है, तो यहाँ पे टंकी कितनी देर में भरेगी, तो दोनों का एलसीएम लेंगे 50 यूनिट आ जाएगा, 50 को 25 से भाग करेंगे तो 2 यूनिट, यानी कि ए पाइप जो भरता है वो एक मिनट में या एक घंटे में, मिनट मान लेते हैं क्योंकि मिनट में आंसर है, तो मिनट में वो 2 यूनिट पानी भरता है, और 50 को 50 से भाग करेंगे तो बी एक मिनट में 1 यूनिट पानी खाली कर देता है, तो केवल 1 यूनिट पानी भर पाता है 1 मिनट में, तो 50 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, तो 50 को 1 से भाग कर देंगे 50 मिनट, ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका कितने समय में 1250 मूलधन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रधन 1400 रुपये हो जाएगा, तो सीधा सीधा सा यार बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको एक चीज़ दे रखी है यहाँ पे, कितने समय में 1250 मूलधन दे दिया, 1250 मिश्रधन दे दिया 1400, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए तो कितना आ जाएगा आपका 150, 150 क्या होता है इंटरेस्ट होता है, ठीक है, इंटरेस्ट मीन्स आपका साधारण ब्याज 150 है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है भाई, 1250 जो अमाउंट थी वो बढ़ के 1400 हो गई, तो इसमें आपको 150 रुपये का इंटरेस्ट ही तो मिल रहा है ना एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे SI का फॉर्मूला लगा दीजिए बस सीधा सीधा P(R)(T/100, यहाँ पे निकालना क्या, टाइम निकालना है ना, तो टाइम को वैसे ही रखिएगा और सारी चीज़ें जो क्वेश्चन में दे रखे हैं उनको रख लेंगे, जैसे 150 आपको इंटरेस्ट दे रखा तो रख लिया आपने, 1250 आपको प्रिंसिपल दे रखा है, रेट आपको 6% दे रखा है और टाइम आपको निकालना है तो अपॉन में 100 करके आप इस चीज़ को निकाल सकते हैं। ठीक है, 25 चौका 100 और 25 से कट करेंगे 50 टाइम, ठीक है, फिर आप इसको दोबारा से कट करेंगे 2 से तो आपका 25 जाएगा, 2 से कट करेंगे 2 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा आपका, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इधर 75, ठीक है, और टाइम ठीक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 150, तो 75 को डिवाइड करेंगे, सॉरी 150 को 75 से डिवाइड करेंगे तो टाइम आपका 2 ईयर आ जाएगा, यही राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन देखें यहाँ पे दे रखा है, 50,000 रुपीज है, रेट उस पर 12% का है, टाइम आपका 6 मंथ का है, त्रिमासिक यानी कि क्वार्टरली आपको CI कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज निकालना है।
कितना क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब होता है हर 3 महीने बाद। 6 महीने में कितनी बार कैलकुलेट करेंगे, 2 बार कैलकुलेट करना है हर 3 महीने बाद। ध्यान रखिएगा जो रेट परसेंटेज है वो आपकी पूरे ईयर की है, पर एनम, ठीक है, पर एनम है आपकी ये पूरी जो इंटरेस्ट रेट है। तो इसको आपको किस में डिवाइड करना है, सबसे पहले क्वार्टरली में। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का एक क्वार्टर होगा तो 3 चौक 12, तो 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में। तो इसको 12 को 4 से भाग करिए तो सबसे पहले तो कितना आएगा 3%। इस 3% से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। 12% से गलती कर सकते हैं, बहुत से बच्चे यहाँ पे 12% सीधा सीधा, क्योंकि यहाँ पे रेट दे रखा है और 6 मंथ का बोलेंगे तो हर 3 महीने वो निकाल देंगे। त्रिमासिक बोला है, क्वार्टरली बोला है, अगर इतना समझ जाएंगे तो। बट यहाँ पे जो आपका ये रेट दे रखा है ये 12% से नहीं होगा क्वेश्चन, ये 3% से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 50,000 का आपका 3% निकालेंगे तो 1500 आएगा, तो 1500 तो लगेगा पहले ईयर में, फिर सेकेंड ईयर में 1500 तो लगेगा ही लगेगा। 1500 पे भी आपका इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ही बोला जाता है चक्रवर्ती ब्याज को। तो 1500 पे 3% फिर निकालेंगे, 45 आएगा, तो कितना होगा 3045 आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है भाई। चलिए एक नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, साइन दे रखा है 60 डिग्री प्लस कोस आपका दे रखा है 60 डिग्री, कोट दे रखा है 45 डिग्री प्लस सेक दे रखा है 60 डिग्री, इनकी वैल्यू लिखिए प्लस करिए आंसर आ जाएगा सीधा सीधा, बड़ा सिंपल सा है। साइन की आपकी कितनी होती है √3/2, कोस की आपकी होती है 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, कोट 45 की वैल्यू 1 और सेक 60 की वैल्यू आपकी 2। इन सभी को प्लस करेंगे और नीचे यानी कि आपका 2 ही रहेगा, ठीक है। इन सभी को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7√3/2 राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी कहीं आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखी 3600, रेट दे रखा है 6% और टाइम दे रखा है 3 ईयर का, और ऐसा ही आपसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, P × R × T/100 सीधा सीधा सा। तो 36 × 6 × 3 करेंगे, 100 करेंगे, 2 0 से 2 0 हो जाएगी, 36 की गुणा 6 और 3 में करेंगे तो 648 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये बहुत ही सिंपल है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है 45, ठीक है, लोस दे रखा है 20%, तो CP पूछा है। अगर किसी वस्तु को यहाँ पे दे रखा होगा क्वेश्चन इस तरीके से, किसी वस्तु को 45 रुपये में बेचने पर 20% का लॉस होता है तो उसकी लागत क्या थी। तो यहाँ पे क्या करना है, 45 आपका सेलिंग प्राइस जो है वो 20% लॉस की है, तो यहाँ पे लॉस अगर इस पे हो रहा है तो 100 - 20% रहेगा, तो यानी कि 80% की वैल्यू होगी। तो 45 को 80 से भाग करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है भाई। तो 45 को 80 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, 0 से 0 कट गए, 2 से कट किया 4 टाइम और 2 से कट किया 5 टाइम, तो कितना आ गया आपका 56.25। तो ये उसकी CP रही होगी, यानी कि 56.25 की जीरो की चीज़ को आपने 45 रुपये में बेचा तो 20% का लॉस हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन हो रहा है, 15,000 की धनराशि पर 5 वर्ष में 4500 रुपये साधारण ब्याज लगता है तो दर क्या होगी। तो ये क्वेश्चन आप सारे के सारे देखिए, दर निकालने के लिए दिया जाए या टाइम निकालने के, जब मूलधन या फिर आपका साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कुछ भी निकालने के लिए दिया जाए तो आप सीधा सीधा यहाँ पे वैल्यूज रख के एक चीज जो नहीं दी होगी उसको वहाँ पे आप एक्स रख लीजिए, फिर वही TRP लिख करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4500 आपका जो है इंटरेस्ट है, 15,000 आपका प्रिंसिपल दे रखा है, रेट यहाँ पे आपको निकालना है और टाइम यहाँ पे आपको 5 ईयर का दे रखा है। अपॉन में 100 करेंगे तो क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, 0 से आपने यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट कर दी, 1 0 से 0 कट कर दी, 2 से आपने कट किया यहाँ पे 5 से कट किया 2 टाइम और 5 से कट किया 3 टाइम, यहाँ पे 3 से फिर आप यहाँ पे हो जाएगा कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 45 × 90 और यहाँ पे 15 तो 15R आपका आ जाएगा, ठीक है। 90 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो रेट आपका 6% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भी सिंपल ही है कि ए किसी काम को 8 दिन में कर लेता है, बी किसी काम को 12 दिन में, तो शायद यही पूछा था कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों कैल्शियम लिया 24 को यहाँ पे 8 से डिवाइड किया, ए का 1 दिन का यूनिट वर्क, 24 को 12 से डिवाइड किया तो बी का 1 दिन का यूनिट वर्क, दोनों को प्लस किया 5 यूनिट वर्क, 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 कंप्लीट 4/5 डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन तो शायद अब ना पूछे जाए, थोड़ा सा लेवल आपका हाई हो रहा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि फादर और सन की एज का अंतर 30 ईयर का है, 7 साल बाद फादर की एज सन की एज का 2.5 गुना हो जाती है, तो बताओ सन की परसेंटेज क्या है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, फादर और सन की एज का अंतर 30 साल है, ठीक है, 7 साल बाद फादर की एज सन की एज का जो हो जाती है 2.5 गुना हो जाती है, यानी कि 2.5 गुना हो जाती है। तो यहाँ पे सन की एज अगर 1 रही होगी तो फादर की एज 2.5 गुना हुई होगी, तो हम इसको रेशियो में बदल लेते हैं, यानी कि अगर इसे मैं बढ़ाऊँ डबल कर दूँ तो इसे भी डबल कर दूंगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा,
चाहे मैं 1:2 बोल लूँ, ठीक है, या फिर 2:5 बोल लूँ, बात वही है, ठीक है। और ये कब की है, 7 साल बाद की, जो रेशो है 7 साल के बाद का है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना बताया यहाँ पे, 30 बताया है, बट इनके बीच का डिफरेंस मुझे कितना नज़र आ रहा है रेशो में, केवल 3 का, बट डिफरेंस कितना गया, 30 का। तो 3 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 30, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 10। 3 को 30 से, यानी कि 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू आपको मिल गई 10 ईयर। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, अब सन की एज निकालनी है, तो सन की एज आपकी कितनी है, 2 है, तो 2 आपको 1 की वैल्यू पता चल गई, तो 2 की वैल्यू भी निकल जाएगी, 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की, तो 20 हो गया। यहाँ पे 7 साल बाद की जो है आपकी वैल्यू आई है ये, क्योंकि 7 साल बाद का रेशो है। पूछा कब क्या है, प्रेजेंट एज, तो सन की प्रेजेंट एज क्या होगी, तो इसमें से 7 माइनस कर देंगे तो 13 ईयर प्रेजेंट एज हो जाएगी सन की, यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन देखें यहाँ पे, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज तो याद नहीं है, उस टाइम पे तो होगी, बट यहाँ पे दे रखा था आपको, मान लीजिए परपेंडिकुलर दे रखा था और आपको दे रखा था बेस दे रखा था, ठीक है। थीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई थी, तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको पता है, यानी कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, परपेंडिकुलर 100 दे रखा है और ये कितना दे रखा है, 100√3, तो ये आप लिख लिया, 100 से 1 टाइम जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। अब ये 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 10 30 डिग्री की, ठीक है। तो अगर आपको इतना पता है तो आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड कर सकते थे, तो 10 30 की डिग्री की ये वैल्यू होती है, तो थीटा की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, 30 डिग्री, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के भी कई क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि 36 का स्क्वायर की यूनिट डिजिट बताइए, तो यूनिट डिजिट आप कैसे निकालते हैं भाई, किसी भी नंबर की आप यूनिट डिजिट निकालेंगे तो उससे हमें क्या मतलब होना चाहिए, सिर्फ जो यूनिट डिजिट होती है, तो हम इसमें पूरा 36 का स्क्वायर नहीं करेंगे, सिर्फ 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना करेंगे, 36 हो जाएगा, 36 में आपकी जो यूनिट रहेगी, यूनिट डिजिट वो कितनी रहेगी, 6, तो 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट आपको अगर नहीं निकालनी आती तो सारी चीज़ें मैंने करा रखी है पहले से, सेपरेट चैप्टर सभी के अच्छे तरीके से, वो सब कुछ अगर आपने देख रखे होंगे तो इन चीज़ों में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे आपको निकालना है 630, 532 और 342 का HCF, तो HCF मैंने अभी बताया था कैसे निकालना है भाई, 630, 532 और 342 का आप 2 से भाग करके निकालिए, ठीक है। 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 315, 216 और 171, किसी भी कॉमन नंबर से कट हो सकते, नहीं हो सकते, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी भी कॉमन नंबर से आगे भी कट हो सकते तो उससे हम यहाँ पे कट करते, मान लीजिए 2 से कट हो सकते तो आपका क्या हो जाता है, ये फिर उसके बाद जो भी वैल्यू होती है वो कट नहीं होती, तो आपका 2 × 4 HCF हो जाता है। बट अभी यहाँ पे सबसे पहले 2 से कट होंगे, फिर उसके बाद किसी से भी कट नहीं होंगे, तो आपका HCF जो होगा वो 2 ही हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे दे रखा है कि 4456 में क्या ऐड किया जाए कि इससे 6 से डिवाइड हो जाए, तो इस क्वेश्चन के मैंने ऑप्शन भी यहाँ पे लिख रखे हैं, तो इनको आपको क्या करना है, ऑप्शन से ही क्वेश्चन को करना है, ठीक है। प्लस करके देखेंगे, 2 को प्लस करके देखा, डिवाइड करके देखा, तो आपका हो गया सीधा सीधा, तो पहले में ही राइट आंसर आ गया, 743 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा था कि किसी संख्या का 20% फिर उसका 60 इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था, मतलब उस टाइम पे तो होगा, और यहाँ पे 25 दे रखा है तो एक्स की वैल्यू बताइए। तो देखिए यहाँ पे जब भी इस तरीके से चीज़ें दी होती है तो एक्स का आपका 20% कैसे निकालेंगे, एक्स मल्टीप्लाई 20/100, फिर यहाँ पे ऑफ दे रखा है तो मल्टीप्लाई 60 और फिर उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 25, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से 100 को कट करेंगे 5 टाइम और 5 से इसको कट करेंगे 12 टाइम, तो एक्स 12 हो गया आपका यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। और इस एक साथ क्वेश्चन देखिए सारे एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम के क्वेश्चन है, उस टाइम पे तो कुछ चीज़ें याद भी रही होंगी, क्योंकि उस टाइम पे एकदम से कॉल पे या फिर जैसे भी क्वेश्चंस मिलते थे पूछ करके मैं करा देता था, बट इनमें अभी कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है तो उनको आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। तो बट आपको थोड़ा पैटर्न पता चलना चाहिए कि किस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट दे रखी है 3680, रेट दे रखा 2.5, टाइम दे रखा 10 ईयर, ऐसा ही आपको निकालना है, तो ऐसा ही बराबर P/R × T/100 कर देंगे, तो इसको लिखेंगे 3680 गुणा 2.5 और गुणा 10 और अपॉन में 100 करेंगे तो 0 से तो 0 कट जाएगी, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 920, ऐसा ही आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, राइट आंसर। यहाँ पे एक क्वेश्चन है देखिए सीधा सीधा सा स्क्वायर रूट का, तो 9801 का स्क्वायर रूट क्या होगा, देखिए मैंने आपको बताया स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बनाते हैं, 2 के पेयर में भी आपको लास्ट वाली संख्या देखनी है किस किस के स्क्वायर में आती है, 1 के और 9 के स्क्वायर में आती है, ठीक है।
नोनम क्या सी और वन का तो स्क्वायर वन ही होगा ना आपका, तो वन और नाइन के स्क्वायर में आती है। फिर 98 से छोटा स्क्वायर किसका होगा, नाइन का, तो नाइन तो आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा। फिर आपको देखना है नाइन का स्क्वायर कितना है 81 और 10 का कितना है 100 नेक्स्ट वाली वैल्यू का, तो ये किसके ज़्यादा पास है 98 100 के, तो आपके बड़े वाली वैल्यू आ जाएगी 99 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि थ्री बॉय या थ्री गर्ल किसी काम को 10 दिन में करते हैं, यानी कि या तो तीन लड़कों से काम करा लीजिए या तीन लड़कियों से, तो 10 दिन में ही काम करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक बॉय और एक गर्ल का वैल्यू यहाँ पे पूछी है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, तो बहुत ही सिंपल है। टोटल वर्क आपका कितना है 30 है, ठीक है, कैसे आया 30 है, देखिए किसी भी एक से अगर वर्क कराना है, यानी कि किसी भी ये तीन बॉय और तीन गर्ल के इक्वल है, यानी कि एक बॉय एक गर्ल के इक्वल है, तो आपको क्या करना है किसी भी एक से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो थ्री इससे कर लीजिए, थ्री से इससे कर लीजिए, टोटल यूनिट वर्क आ गया। मान लीजिए मैंने सारा काम लड़कियों से कराया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो 10 दिन में टोटल वर्क करा कितना होगा, तो 10 की 3 में कर देंगे तो 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कराना है, बी और बॉय और गर्ल से दोनों से एक एक से मिला के वर्क कराना है, तो आपको 2 से डिवाइड कर देना, 15 डेज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन था आपका नीलम नीलू की जो एज का रेशियो दे रखा था आपका 2:4 दे रखा था 4 साल पहले का, ठीक है, उनके बीच का अंतर दे रखा था आपका कितना 40, तो आप मुझे ये बताइए बीच का अंतर आपका दे रखा है, यहाँ रेशो में दिख रहा है 2, वैसे 40 है, तो 2 के बराबर 40 हो जाएगा, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 20, तो 1 की वैल्यू आपको मिल गई है। तो नीलू की जिसकी भी एज पूछ जाए उसके आप निकाल सकते हैं, नीलू की एज निकालनी है तो 2 की मल्टीप्लाई 20 में कर देंगे 40 हो जाएगा, ये 4 साल पहले का रेशो है तो 4 साल प्लस कर देंगे, प्रेजेंट एज पूछा होगा उस टाइम पे, तो 44 ईयर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है एक कि यदि 2 आदमी अथवा 3 औरतें किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, 6 आदमी तथा 10 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 2 आदमी और 3 औरतें यानी कि 2 आदमी बराबर कितने 3 औरतें, तो 1 आदमी बराबर कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है, 1 मैन बराबर कितना हो जाएगा भाई 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कराना है यहाँ पे 6 मैन और 10 वुमेन से वर्क कराना है मिला करके, तो यहाँ पे देखिए 6 मैन और 10 वुमेन से अगर वर्क कराना है तो इन किसी को भी किसे किसी भी एक को मतलब या तो मैन में बदल लीजिए या वुमेन में बदल लीजिए, तो 1 मैन बराबर आपको पता है कितना है 3/2 है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 10 वुमेन है, ठीक है, तो 3 6 की मल्टीप्लाई 3/2 में कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 2 से एक कट करेगा 3 टाइम और 3 3 9, तो 9 और 10 कितना हो जाएगा टोटल 19 वुमेन, तो टोटल 19 वुमेन कितना वर्क करेंगी। यहाँ पे बोला क्या गया था कि या तो 2 आदमी से वर्क करा लो या 3 औरतों से वर्क करा लीजिए, वो दोनों ही मतलब मिलकर अलग अलग 2 आदमी भी 30 दिन में वर्क को कंप्लीट करेंगे, 3 औरतें भी 30 दिन में वर्क को कंप्लीट करेंगे, तो अभी हम कितने 19 वुमेन से वर्क करा रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना होगा 3 वुमेन 30 दिन में वर्क को कंप्लीट कर देती है, तो वो टोटल वर्क कितना होगा, तो 3 की मल्टीप्लाई 30 में कर देंगे तो 90 यूनिट वर्क होगा वो, तो यहाँ पे 90 डिवाइड बाई 19 करेंगे तो 4.7 डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 4500 रुपये पर 8% की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या होगा, तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती, देखिए साधारण ब्याज तो आप निकाल लेंगे, चक्रवर्ती ब्याज भी आप इजीली निकाल लेंगे 3 साल का, कोई बड़ी बात नहीं है। 4500 का 8% निकालिए कितना आया 360, अब इस 360 को 3 साल तक तो फिक्स कर दीजिए, 360 360 और 360, अब जो डिफरेंस आता है वो चक्रवर्ती ब्याज का आता है, यानी कि जो ब्याज पे ब्याज लगता है, फर्स्ट ईयर में कोई चक्रवर्ती ब्याज नहीं होता, सेकंड ईयर से आपका स्टार्ट होता है, तो 360 पे 8% लगाएंगे कितना आएगा आपका ये 28.8। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, देखिए इसका फिर दोबारा से आप निकालेंगे इन सभी का जितना ऊपर आ चुका है, 360 तो आपने फिक्स कर ही दिया, इसका भी आप 8% निकालेंगे, तो यहाँ पे जो भी आएगा उन सभी को प्लस कर लेंगे, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे समझिएगा, ये शायद ये आधा क्वेश्चन ही मैं ले पाया हूँ, स्कैन कर पाया हूँ, वो बाकी का बच गया, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसका निकालने के बाद में डिफरेंस पूछा है ना, तो डिफरेंस आपका इसका आपका जो 3600 रुपये एक साल का आया है इसमें 3 की मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे उसका और जो भी इन सभी को प्लस करने के बाद में आएगा उन दोनों का डिफरेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन थोड़ा कट गए, तो नेक्स्ट आपका है देखिए 60025 का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप निकाल लेंगे भाई 25 किस किसके लास्ट में आता है, 25 बोल रहा हूँ मैं, 5 के लास्ट में आता है, तो लास्ट की वैल्यू तो आपकी 5 हो जाएगी फिक्स। 600 का आपका स्क्वायर देखना है, छोटा स्क्वायर किसका होगा, 25 का देखें तो 625 हो जाएगा, और आपका 24 का होगा तो 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे एक है कि एक आदमी अपनी आय का 85% खर्च करता है और 1200 रुपये बचा लेता है, तो बताओ उसकी कुल आय कितनी है। तो जब टोटल इनकम 100% होती है, उसने खर्चा किया 85% का, तो सेविंग कितनी होगी 15% की, तो 15% की वैल्यू आपकी कितनी होगी 1200, तो 15% की वैल्यू आपको 1200 पता है, तो 100% की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। 1200 को 15 से भाग कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 से 1200 जाएगा 80 टाइम 80 की 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 8000, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे निकाला है वह छोटी से छोटी संख्या जो 7, 14, 15 और 18 से भाग देने पर 5 रिमाइंडर बचे। तो आपको क्या देखना है यहाँ पे, इन सभी का एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, इन सभी का आपने एलसीएम निकालना है और एलसीएम कितना आएगा आपका 630। निकाल के देखिएगा इस तरीके से, तो आपका 630 आ गया। अब 630 में 5 प्लस कर दीजिए तो आपका कितना होगा 635। अब आप वह छोटी से छोटी संख्या जो 7, 14, 15, 18 से भाग देने पर 5 रिमाइंडर बचे, आप किसी भी संख्या से भाग करके देखना, इसमें 5 शेष बचेगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें यही कॉन्सेप्ट होता है कि आपको सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद में जो जितनी भी संख्या बोली जाए कि कितना रिमाइंडर बचाना है उतना ही प्लस कर देना है। ठीक है, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी से भाग हो जाए वो आपकी होती है एलसीएम। तो एलसीएम से एक्स्ट्रा कितना करना है, जो जितना हमें रिमाइंडर बचवाना है तो उतना ही प्लस कर देंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये भी रिपीट हो चुका है जो कि मैंने पहले ऑलरेडी करा रखा था। किसी भी चीज को, यानी कि कोई वस्तु होगी, मान लीजिए कुछ भी होगी, अनार सेब जो भी, 7 रुपये के 8 के भाव से खरीदे और 5 रुपये के 7 से भाव से बेच दिए, तो इनको आपको प्रॉफिट और लॉस बताना है। ठीक है, कि कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया एक साइड में रुपीज़ और एक साइड में क्वांटिटी। ये 7 के 8 खरीदे, 5 के 7 बेच दिए, कुछ इस तरीके से रहा होगी कंडीशन। तो आपको क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 49 और इधर करेंगे तो आपका 40, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 9। अगर ये चीज़ बड़ी आती है, क्वांटिटी वाली साइड बड़ी आती है तो लॉस होगा, रुपीज वाली साइड बड़ी आती है तो प्रॉफिट होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर पैसे वाली साइड बड़ी हो जाएगी हमारी तो प्रॉफिट हो जाएगा, अगर क्वांटिटी वाली साइड बड़ी हो जाएगी तो लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे बड़ी कौन सी है आपकी, ये क्वांटिटी वाली, तो लॉस हुआ है। कितने परसेंट का है वो निकाल लेते हैं, डिफरेंस कितना है 9, तो 9 अपॉन में। यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जब भी प्रॉफिट होता है तो नीचे बड़े वाली संख्या लेते हैं। ये तो हमें पता है कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों आपके कॉस्ट प्राइस पे ही निकलते हैं। बट यहाँ पे आप कैसे डिसाइड करेंगे इनमें से कॉस्ट प्राइस कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा जब भी लॉस होता है तो नीचे बड़े वाली संख्या आती है, जब भी प्रॉफिट होता है तो नीचे छोटे वाली संख्या आती है। 9 अपॉन में 49 करेंगे, 200 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18.36%, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है 56 का 32% कितना होगा। तो सीधा सीधा सा यार कोई बड़ी बात नहीं है, इसका 56 का 32% निकालेंगे तो 17.92, ये आपका मैंने कल ही कराया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है रीता एंड अन्नु का परसेंटेज यहाँ पे दे रखी है आपको 5:7, और यहाँ पे 3 साल बाद की रेशियो दे रखा है उनका ये, तो रीता की एज यहाँ पे पूछी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकी परसेंटेज 5x और 7x, इनमें 3 दिन प्लस करेंगे तो 9 अपॉन 13 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, 13 की 5 में करेंगे 65x और 13 की 3 में करेंगे 39, 9 की इधर करेंगे तो 63x और 9 की 3 में करेंगे तो 27। तो यहाँ पे xx वालों को एक साइड में लेके आएंगे, इसको इस साइड में लेके आएंगे, 65x में से 63x माइनस करेंगे 2x बचेगा और इसमें से माइनस करेंगे 12 बचेगा। एक्स की वैल्यू आपकी 6 आ गई है। अगर एक्स की वैल्यू 6 है तो रीता की एज पूछिए, रीता का कौन सा रेशियो है पहले वाला, तो यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, 5 की मल्टीप्लाई 6 में करती है ना 30, यार आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे होगा टंकी और इसका, कि ए किसी टंकी को भर देता है 56 मिनट में, बी 42 मिनट में और सी खाली कर देता है 21 मिनट में। कल वैसे मैंने कराया ये क्वेश्चन, तो इसको यहाँ पे एलसीएम लेना 168 आ जाएगा, 168 उसी टंकी की कैपेसिटी आ जाएगी। कंडीशन क्या है, टंकी कितनी देर में खाली होगी, खाली करने वाली कंडीशन यहाँ पे है। तो इनको डिवाइड करके देखेंगे 56, 42 से 21 से इनका 1 यूनिट वर्क आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 1 घंटे में, ये एक 3 यूनिट पानी भरता है, बी 4 यूनिट पानी भरता है और सी 8 यूनिट पानी निकाल देता है। तो दोनों मिलकर 7 यूनिट पानी भरते हैं और ये अकेला 8 यूनिट पानी निकाल देता है, तो हर एक घंटे में 1 यूनिट पानी निकलेगा, भरेगा नहीं। तो 68 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 168 आर ई इसको भरने में लग जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक किसी वस्तु को 30% डिस्काउंट पर 1300 रुपये में खरीदता है और उसे 30% प्रॉफिट पर बेचता है, तो उसे कुल कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। देखिए एक किसी वस्तु को 30% डिस्काउंट पर 1300 रुपये में खरीदता है, तो अगर वो 1300 रुपये की चीज़ को जो खरीद रहा है उसे 30% डिस्काउंट पे खरीद रहा है, तो वो खरीद कितने में रहा है, उसे 70% में। ठीक है, यानी कि 70% की वैल्यू कितनी है, 1300 है, और आपको क्या निकालना है, अगर उसे 30% प्रॉफिट पे बेचना हो तो उसे कुल कितना प्रॉफिट हुआ होगा।
ये आपको बताना है। आप मुझे ये बताइए 70% की चीज़ को 130% में बेचेगा, सबसे पहले उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1300 रुपये को 70 से भाग करेंगे और गुणा कर दें 130 से, तो कितना आ जाएगा 2414। इतने की उसकी वो वस्तु थी, सॉरी इतने की उसने बेच दी, 1300 रुपये की उसकी वस्तु थी, तो कितना हो गया आपका प्रॉफिट, ये आ गया 1114, ये आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। एवरेज स्पीड से भी कई क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 25 मीटर की दूरी को 6 सेकंड में पार कर लेता है और 24 मिनट की दूरी को 5 सेकंड में पार कर लेता है, कोई भी आपका बस ट्रेन कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे पूछा है कि औसत चाल क्या होगी, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम आपका औसत चाल रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना हो जाएगा भाई, 24 प्लस 25 करेंगे और 11 से भाग कर देंगे, दोनों को प्लस करेंगे 11 और दोनों को प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 49 और डिवाइड करेंगे तो 4.45 मीटर पर सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि ए किसी काम को 9 दिन में कर लेता है, बी किसी काम को 12 दिन में कर लेता है, दोनों ने काम शुरू किया पर यहाँ काम पूरा होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो टोटल कार्य पूछा होगा यहाँ पे भी। तो 36 आपका टोटल यूनिट वर्क आ गया, 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ए एक दिन में 4 यूनिट वर्क करता है, 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो बी एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, इनका आपको एलसीएम तो ले लिया और इनका यूनिट वर्क भी निकाल लिया। बोला है कि दोनों काम शुरू किया पर काम पूरा होने से 4 दिन पहले एक काम छोड़ के चला गया, तो बी ने 4 दिन काम किया होगा, तो बी एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है, 4 दिन में कितना करेगा 12 यूनिट वर्क, तो 36 में से 12 माइनस कर देंगे बचेगा 24। अब इस कार्य को कौन करेगा, दोनों मिलकर करेंगे ना, 24 को 7 से भाग कर देंगे क्योंकि लास्ट के 4 दिन में अकेला बी ने किया है, बट वैसे पूरा जो कार्य किया है वो दोनों ने मिलकर किया है। 24 को 7 से भाग कर दिए, 3 सही 3/4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका ये आ जाएगा, अगर टोटल वर्क देखा जाए तो 4 दिन ये हो गए और 3 ये हो गए, तो 7 सही 3/ आपका 7 राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रानी और रीना, रीना और मीना की आयु का योग 27 है, यदि रानी सॉरी रीना मीना से 3 साल बड़ी है तो मीना की आयु क्या होगी। अब मुझे ये बताइए इनके बीच में जो आयु का डिफरेंस है वो कितना है, 3 का है, कि रीना जो है वो मीना से 3 साल बड़ी है। अगर मैं रीना और मीना की आयु में से 3 साल माइनस कर दूं तो फिर तो कोई डिफरेंस नहीं बचेगा ना, फिर तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। चलिए इस काम को कर लेते हैं, 27 में से मैंने 3 माइनस किया, जो इन दोनों की आयु का सम है 27, उसमें से मैंने 3 माइनस कर दिया, अब बचा 24। अब 24 में कोई भी बड़ा कोई भी छोटा नहीं है, दो पता है मैं रीना और मीना है, इन दोनों की आयु को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 12 साल की आ जाएगी। बट हमें एक चीज़ का पता है कि जो रीना है वो 3 साल बड़ी है, तो मीना की तो 12 ही रहेगी, रीना की हमें 3 प्लस करके 15 हो जाएगी, दोनों को प्लस करके देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 27, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई आपकी बात, जब भी कोई किसी से बड़ा बताया जाता है तो उस बड़ेपन को खत्म कर देते, सबसे पहले माइनस कर लेते हैं, तो 27 में से मैंने 3 माइनस किया बचा 24। अब 24 में दोनों के दोनों इक्वल होंगे, जो भी हो एज होगी वो हमें नहीं पता कितनी है, इक्वल होंगे। निकालेंगे कैसे भाई, दो की एज है, ये दो की एज का समय है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 12 एज आ जाएगी इनकी। हमें पता है कि रीना जो है वो आपकी 3 साल बड़ी है तो 3 प्लस कर देंगे तो 15 हो जाएगी, मीना आपकी 12 हो जाएगी, तो इनकी एज का आयु ये आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन था कि टाइम का रेशो दे रखा था 4:5, तो काम का रेशो पूछा था, तो काम का रेशो अपोजिट हो जाता है 5:4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट पूछा गया आपका 6724 का, तो इसका देखिए हमने दो वो पेयर बनाए, 4 देखा, 2 और 6 के लास्ट में आता है, यानी कि 2 और 6 के स्क्वायर में आता है, और ये 67 से छोटा स्क्वायर किसका होगा, 8 का होगा क्योंकि 9 बड़ा हो जाएगा, तो ये 8 तो आपका रख लिया। यहाँ पे देखिए 8 के स्क्वायर के यानी कि 64 के पास में ज़्यादा है या 81 के, तो 64 के, तो यहाँ पे आपका छोटे वाली संख्या आ जाएगी, तो 82 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सारे कर लेंगे। नेक्स्ट आपकी जो क्वेश्चन है वो है कि HCF निकालना है, इसमें वैल्यूज आपको दे रखी है 2/3, 4/5 और 6/7। तो जब भी HCF इस तरीके से निकालना होता है आपको बटे में, तो ऊपर वाली सभी संख्याओं का HCF और सभी नीचे वाली संख्याओं का LCM लेना होता है। तो 2, 4, 6 में आपका जो HCF होगा तो क्या होगा, मैंने आपको क्या समझाया है कि जब भी कॉमन नंबर से कट होते रहेंगे, तो 2 और 4, 6 को कट करके देखिए, तो 2 से 2 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या बचेगा, 2 जो 1 बचेगा वो 2 से किसी कॉमन नंबर से कट नहीं हो सकते ना, 1, 2 और आपका 3। ठीक है, तो आपका 2 ही हो जाएगा HCF। LCM की बात की जाए तो यहाँ पे 3, 5, 7 लिखा है, तो कुछ नहीं करना है, तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, HCF आ जाएगा, तो 2/105 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी कोई भी ऐसी आपकी वैल्यूज होती है जिनमें आपको LCM निकालने में, मतलब किसी भी कॉमन नंबर से नहीं डिवाइड हो रहे हैं, तो उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसे आपके इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ पे था कि 1901
में जोड़े जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए, जो योगफल है वो पूर्ण वर्ग हो जाए। आप मुझे ये बताइए इससे नेक्स्ट किसका आपका, अगर मैं देखूँ किसी का भी स्क्वायर करके, तो यहाँ पे 43 का मैंने देखा तो 1849 था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 44 का स्क्वायर करके देखा तो कितना है 1936। ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा था, तो ये तो वर्क नहीं करेगा, इससे बड़ा ही वर्क करेगा। तो इसमें आपने देखा कि 1936 जो है वो इससे कितना बड़ा है, इससे बड़ा है तो माइनस करके देख ले 35 बड़ा। तो आपको बस यही देखना है कि इसमें 1901 में 35 प्लस करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 1936, और 1936 पूरा आपका कंप्लीट वर्ग है, स्क्वायर है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा ना कि 1901 में क्या न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि आपका जो पूर्ण वर्ग हो जाए, आपका कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पे 35 प्लस करेंगे, निकाला कैसे वो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। एक है आपका यहाँ पे, एक बर्तन में चांदी 42% है, अगर चांदी 142 ग्राम थी तो बताओ अन्य धातु कितनी थी। तो 42% की वैल्यू आपको यहाँ पे सीधी सीधी दे रखी, 142 हो जाएगी, 100% की वैल्यू पूछी है, तो 142 को 42 से भाग करेंगे, गुणा कर देंगे 100 से, तो आपका अप्रोक्स ये कितना आएगा 338, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, 42% की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है और बताओ अन्य धातु कितनी है, तो जो चांदी है वो 42 है, तो आपको इसमें से 42 माइनस करेंगे तो बची हुई दूसरी धातु कितनी होगी 196, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पे दे रखा है सेलिंग प्राइस दे रखी है 999, लॉस दे रखा है 26%, सीबी पूछी है, तो लॉस अगर दे रखा है 26% तो आपका ये वैल्यू जो है आपकी 74% की होगी, तो 999 डिवाइड कर देंगे हम किससे, 74 से, और गुणा कर देंगे आपके 100 से, तो 1350 आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ रहे होंगे। बोर्ड मास का एक क्वेश्चन है आपका, देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। जब भी बोर्ड मास का आपको सोल्व करना हो तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करिए, ब्रैकेट में भी आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 × 8 2 और 2 × 2 = 4, ठीक है, और 4 में से आप 1 माइनस करेंगे तो 3, और 3 और 3 को प्लस करेंगे 6, तो 6 आपका ये वाला पूरा सोल्व होने के बाद में 6 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका 4 × 2 होगा तो कितना हो जाएगा 14 × 2 = 28, तो -6 ये आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 5 − 2 और गुणा 6 लिखेंगे, 16 प्लस करके लिखेंगे। यहाँ पे आप मुझे ये बताइए कि ये मल्टीप्लाई जो आपकी लिखी है, इससे पहले आप इसको इसमें से माइनस करेंगे 22 हो जाएगा, 22 की 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 44, तो 5 − 44, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, माइनस करेंगे 44 में से 5 तो 39, और 39 में आपका 16 प्लस करेंगे तो 55 आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो इस टाइप के भी बोर्ड मार्क्स के आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए फिर दोबारा से सेलिंग प्राइस का आपको ये दे दिया है, प्रॉफिट इसमें ये है तो सीपी बताइए। अब की बार प्रॉफिट दे दिया है तो इसका मतलब जो ये वैल्यू है 116% की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट है, लॉस होता तो ये माइनस करके लिखते हैं 100 में से, प्रॉफिट होता है तो प्लस करके लिखते हैं, तो ये 2088 जो है आपका 116% की वैल्यू हो जाएगी, इंटू करेंगे 100 से, तो ये जाएगा 18 × 18 की गुणा 100 में करेंगे तो आपका 1800 राइट आंसर आ जाएगा सीपी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए भी किसी काम को 4 दिन में और ए किसी काम को 6 दिन में कर लेता है, तो यहाँ पे शायद बी का पूछा गया होगा, बी कितने दिन में करेगा, तो दोनों कैल्शियम लेंगे 12, 3 और 2 आ जाएगा, इसको माइनस करके देखेंगे तो ये बी का भी 1 यूनिट वर्क आ जाएगा, क्योंकि ए 2 करता है, दोनों मिलकर 3 करते हैं, तो 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो बी इस काम को 12 दिन में कर लेगा। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है जो कि मैंने पहले भी करा रखा है, गुणा यानी कि सॉरी एक्स की जो कोई वस्तु है उसका 60% फिर गुणा 3/5 बराबर 36 है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे बतानी है, तो इसी तरीके से आप करेंगे तो आपके एक्स की वैल्यू 100 आ जाएगी, कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे था कि 5 पेन का विक्रय प्राइस 4 पेन का क्रय प्राइस के बराबर है तो धानी प्रतिशत बताओ, तो यहाँ पे 5% का सेलिंग प्राइस अगर 4% के सेलिंग प्राइस के इक्वल है तो 1 पेन का लॉस हो रहा है ना भाई, 1 पेन का लॉस हो रहा है तो आप 1 पेन पे निकाल दीजिए। मैंने बताया था आपको जब भी लॉस होता है तो बड़े वाली संख्या लेते हैं, इन दोनों में बड़े वाली 5, तो 1/5 गुणा 100 करेंगे तो 5 से 100 कट जाएगा 20 टाइम, ये आपका 20% लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं लगातार। ए बी की वर्तमान आयु कितनी, आयु का रेशो 7:3 है, 3 साल बाद का रेशो ये है, ए बी की आयु क्या है ये आपसे पूछा है, तो 7x + 3 और 3x यहाँ पे, यानी कि मैंने 7x और 3x वर्तमान एज मान ली इनकी और 3 दिन प्लस किया तो इस रेशो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि मैं ऊपर भी करा के आ चुका हूँ इस टाइप का क्वेश्चन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 7x + 3 यहाँ पे करेंगे तो 6x + 6 ये हो जाएगा आपका, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई,
एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी, ठीक है। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा और एक्स की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी, क्योंकि 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे ए और बी की दोनों की वैल्यू आ जाएगी। 7 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7x और 3x है ना, तो 7 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ए की वैल्यू आ जाएगी 7x 21, और बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 की 3 में करेंगे तो 9। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए बी किसी काम को 45 दिन में करते हैं, बी उसी काम को 90 दिन में करता है, तो 9 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, बी 9 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, तो बचे हुए काम को ए कितने दिन में करेगा, यानी कि 9 दिन तक दोनों ने मिलकर कार्य किया होगा। भाई यहाँ से तो इतना तो आप कर लेंगे ना, एलसीएम लिया, एक एक दिन का वर्क भी निकाल लिया। अब ये बताइए कि जो बी है वो काम छोड़कर चला जा रहा है, तो बी 9 दिन बाद, तो 9 दिन तक दोनों ने कार्य किया होगा मिल करके, तो 9 दिन में दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट वर्क करते हैं, 9 दिन में कितना करेंगे 27 यूनिट, तो 90 में 27 माइनस करेंगे बचेगा 63। 63 को अब कौन करेगा, बी छोड़ के जा चुका है, ए करेगा, तो ए एक दिन में 1 यूनिट वर्क करता है, तो यहाँ पे 63 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो 63 आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि 63 दिन में वर्क कंप्लीट होगा। एक ऐसे आए भी देख लीजिएगा, दोनों मिलकर 2 यूनिट वर्क करते हैं, बी अकेला 1 करते हैं, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे था कि ए बी सी का कुछ दे रखा होगा उस टाइम पे, या एज होगी जो भी होगी ये है, और इनका रेशो भी दे रखा था, तो बी का यहाँ पे कुछ पूछा था कि बी की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको क्या करना है 150 को 5 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि बी की वैल्यू निकालनी है, तो 3 × 1 तो कितना हो जाएगा 30, यानी कि आपका 30 था, तो 30 आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एवरेज स्पीड का एक और क्वेश्चन है कि एक एवरेज स्पीड निकालनी है आपको, कि किसी डिस्टेंस को 4 मीटर में, यानी कि किसी को नहीं, 4 मीटर की डिस्टेंस को 3 सेकंड में और 7 मीटर की डिस्टेंस को 4 सेकंड में पार कर लेते हैं, तो एवरेज स्पीड बताइए, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम आपको करना है, तो कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 11 और टोटल टाइम आपका हो जाएगा 7, तो 11/7 करेंगे तो 1.57 मीटर/सेकंड आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका देखा है, एक दुकानदार ने चाय के को 3200 रुपये, चाय का कुछ होगा यार, ठीक है, 3200 रुपये में बेचा है और उसे 10% लॉस होता है, अगर उसे 40% प्रॉफिट कमाना बेचना हो तो उसे कितने में बेचा जाएगा, यानी कि अगर वो किसी चीज़ का, चाय का कुछ भी होगा, चाय के बर्तन होंगे, वो 3200 रुपये में उसे बेचता है और उसे 10% का लॉस होता है, अगर उसे 40% प्रॉफिट कमाना है तो उसे कितने में बेचना है। अब 3200 रुपये की चीज़ पर अगर 10% का लॉस हो रहा है तो इसका मतलब है वो 90% की वैल्यू होगी, तो 3200 को 90 से डिवाइड कर देंगे, कमाना कितना है 40% प्रॉफिट, तो 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, प्रॉफिट कमाना है तो यहाँ 0 से 0 जाएगा, इससे कट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 14 की, तो आपका 4978 राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए कि ए किसी काम को 10.8 दिन में करता है, बी उसी काम को 21.6 दिन में करता है, और सी 18 दिन में करता है, तीनों कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर कितने दिन में वर्क करेंगे, ये आपसे पूछा गया। तो जो ए है वो कितने में करता है, 10.8 डेज में, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये पॉइंट में जो वैल्यू है ना, इनको बटे में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, फ्रैक्शन में ले लिया, कि पॉइंट हटाया 10 लगा लिया, पॉइंट हटाया 10 लगा लिया। अब ये आसान पड़ेगा, कैसे पड़ेगा आसान, नीचे का 10 को इग्नोर करिए और 108, 216 और 18 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 216। अब क्या करेंगे हम, 216 को 108 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो ए एक दिन में 20 यूनिट वर्क करता है, 216 को 216 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो बी एक दिन में 10 यूनिट वर्क करता है, 216 को 18 से भाग करेंगे तो 12 आएगा, तो यानी कि सी एक दिन में 12 यूनिट वर्क करता है। पूछा क्या गया है, शायद यही पूछा गया है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 216 को 42 से भाग कर देंगे तो 5 से ही 6/4, यानी कि 5 से ही 1/7 डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर ये चीज़ होती है ना, पॉइंट में वैल्यूज होती है, तो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है, इसमें पॉइंट को हटाइए, नीचे 0 लगा लीजिए, फिर आपको क्या लेना है, एलसीएम जब लेंगे ऊपर ऊपर वाली वैल्यूज का लीजिए, बटे को छोड़ दीजिए, ठीक है, और डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी उसे बटे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। यहाँ पे दे रखा है कि 25 लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, एक नया लड़का आप आने पर औसत 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है, तो नए लड़के का वजन कितना होगा। तो देखिए 25 लड़कों का जो कुल वजन था पहले कितना था, कि 50 × 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1250, ठीक है, क्योंकि जो 50 था आपका वो औसत वजन था, 1250 हो जाएगा। 26 लड़कों का कुल वजन कितना होगा, 51 × 26 कर देंगे, क्योंकि एक लड़का बढ़ चुका है, तो कितना हो जाएगा 1326। इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल के देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 76, ठीक है, तो ये 76 किलोग्राम का एक लड़का था। अगर यहाँ पे ट्रिक से बात करें तो 50 किलोग्राम उस लड़के को लेके आता वजन होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पे, बट वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लेके आया, एक्स्ट्रा कितना लेके आया, 1 किलोग्राम से उसका औसत वजन बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि उसने सभी का 1-1 किलोग्राम बढ़ा दिया, तो कितने बंदों का बढ़ाया, एक खुद का तो बढ़ा के लेके आया या 25 को और बढ़ा दिया, तो इसका मतलब 26 बंदों का उसने 1-1 किलोग्राम बढ़ा दिया, तो 26 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आया था 50 से अलग, तो 76 किलोग्राम आपका राइट आंसर आ जाएगा,
ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी ए को 3,000 रुपये 6% की दर से 2 साल के लिए देता है, वही रकम ए बी को 9% की दर से देता है, तो ए का प्रॉफिट कितना होगा। कुछ नहीं करना है, ए किसी आदमी को 6% पे देता है, ए उसी रकम को बी को दे देता है 9% पे, दोनों का डिफरेंस निकालिए, 3% एक्स्ट्रा पे दे रहा है, जो ए है वो कितने परसेंट एक्स्ट्रा पे दे रहा है, 3% पे, तो सीधा सीधा 3,000 का 3% निकाल लीजिए, 180 आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है कि पहले पूरा ए का निकालेंगे फिर पूरा बी का निकालेंगे उसके बाद डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपल से सिंपल तरीके से करिए चीजों को। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक बार और पूछा जा चुका है कि ए किसी का चीज को 5 रुपए में, यानी कि कोई भी वस्तु हो सकती है कि 5 की दर से खरीदता है और 1 के 4 की दर से सेल कर देता है एक चीज को। तो मान लीजिए एक उसने चीज खरीदी 5 रुपए की और 1 4 रुपए की सेल कर दी, तो लॉस होगा, सॉरी 1 4 रुपए की सेल कर दी तो प्रॉफिट होगा। भाई 5 खरीदेगा और उतने ही पैसे वो कमा लेगा 4 बेच करके, तो प्रॉफिट होगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई की 5 आ गया 4 आ गया, प्राइस वाली साइड बढ़िया आ रही है, तो प्राइस वाली साइड बढ़िया तो प्रॉफिट होगा कितने का, 1 का। प्रॉफिट के टाइम पे नीचे कौन सी वैल्यू आती है, छोटे वाली, तो 1/4 गुणा 100 करेंगे तो कितना होगा, 25%, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 135 की वस्तु को अगर 25% लाभ पर बेचता जाता है तो इसका क्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस बताइए। तो 100% की चीज़ को अगर 125% में बेचा जाएगा तो उसका सेलिंग प्राइस बताइए, विक्रय मूल्य बताइए। तो 135 को हम 100 से भाग कर देंगे, गुणा कर देंगे 125 से, तो कितना हो जाएगा, 25 से कट जाएगा 4 बार, 25 तो कितना हो जाएगा, 675 गुणा कर देंगे, सॉरी भाग कर देंगे 4 से, तो कितना जाएगा, 168.75 आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए बार वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो बार वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, भाई जो भी वैल्यू होती है ये, ठीक है, उसको पूरी को लिखेंगे 2956 और इसमें से हम माइनस कर लेंगे जो जिनके ऊपर बार नहीं होता है, ठीक है। तो 29 के ऊपर बार नहीं है तो इसको हमने माइनस कर लिया, अपॉन में हम लिखेंगे जिसके जितने भी मतलब आपकी वैल्यू है जिनके ऊपर बार है उतने 9 और जिनके ऊपर बार नहीं है उतनी 0, बस इसको माइनस करके अपॉन में लिख दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा। समझे, आप इस चीज को एक बार देख लीजिएगा रिमाइंड करके, ये सारी चीजें मैं करा रखी है आपको। यहाँ पे एलसीएम निकालना, एलसीएम दे रखा है 1206, एचसीएफ दे रखा है 84 और फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या होता है, देखिए एचसीएफ एलसीएम अगर इस तरीके से दे रखा, तो पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे पहली वैल्यू आपको दे रखी है, दूसरे वाली आपको निकालनी है, तो यहाँ पे 84 और गुणा 1206 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 84 गुणा 1206 और गुणा भाग कर देंगे 56 से, तो इनको कट करेंगे हम कितना आएगा, एक्स गुणा 603 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू आपकी 1809 आ जाएगी। अब मैं थोड़ा थक चुका हूँ, देखिए थोड़ा सा आप समझ लीजिए चीज़ों को वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1809 हो जाएगी, राइट आंसर। एक देखिए यहाँ पे बोर्ड मार्क्स का ये क्वेश्चन था, इसमें देखिए मैंने पहले बताया कि आपको ब्रैकेट सोल्व करना है, ठीक है। तो 7 8 56 ये 8 बार चला जाएगा और 8 की गुणा 4 में करेंगे 8 चौक 32, ठीक है। 32 को माइनस करेंगे 45 में से बचेगा 13, फिर 13 को माइनस करेंगे 29 में से तो 16, और 16 को माइनस करेंगे 68 में तो 52, 52 को 104 को 52 से भाग कर देंगे तो 2 आ जाएगा, आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। तो इस टाइप का भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। किसी वस्तु को आप 40% डिस्काउंट दिया जाता है अगर उसी वस्तु पर 2 अलग अलग डिस्काउंट दिया जाए 10% और 20% के लगातार, तो अंतर 132 का आता है तो अंकित मूल्य MRP क्या होगा। देखिए 40 और एक तो दिया जाता है आपका 40% का डिस्काउंट, एक दिया जाता है 10 और 20 का, तो 10 और 20% के डिस्काउंट को पहले इफेक्टिव परसेंटेज का रूल अप्लाई करके, फॉर्मूला अप्लाई करके 1% बना लीजिए, देखिए कितना परसेंटेज बैठता है। तो 10 और 20 गुणा माइनस 10 और 20 करेंगे तो अपॉन में 100, तो 0 से 0 कितना हो जाएगा ये आपका 28%। एक तो आप देते हैं 40% का डिस्काउंट, एक देते हैं आप 28% का डिस्काउंट, दोनों का डिफरेंस निकालिए कितना है, 12%, ठीक है। तो यानी कि 12% की वैल्यू आपको दे रखी है, डिफरेंस दे रखा था ना आपको 132 अंतर, तो 12% की वैल्यू 132 है, तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, 132 को डिवाइड करेंगे 12 से तो गुणा कर देंगे 100 से, तो आपका 1100 आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है भाई। चलिए एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे, ए ने 1000 लगाकर किसी बिजनेस को स्टार्ट किया था, 4 महीने बाद बी ने ज्वाइन किया 8000 रुपये लगाकर, 7 बिजनेस ज्वाइन किया, ठीक है। 6 महीने बाद सी ने 4000 रुपये लगाकर ज्वाइन किया बिजनेस को, साल के अंत में 18000 रुपये प्रॉफिट है, ए बी सी का प्रॉफिट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ए ने 10000 रुपये लगाए, तो इसने तो पूरे साल के लिए लगाए होंगे,
क्योंकि शुरू में लगाए थे इसने ही बिजनेस स्टार्ट किया तो 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे। इसने 4 महीने बाद लगाए यानी कि इसके 8 महीने के रुपए लगे 8,000। इसने 6 महीने बाद लगाया तो इसके मतलब 4,000 रुपये 6 महीने के लिए ही लगेंगे। तो इनका रेशो हम निकालेंगे तो 2 से 3 0 से 3 0 कट जाएगी, इनका हो जाएगा 120, 8 की 8 में करेंगे 64, 4 की 6 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 24, 2 से कट करेंगे 60, 2 से कट करेंगे आपका 32, 2 से कट करेंगे आपका आ जाएगा 12, फिर दोबारा से 2 से कट करेंगे 30, 18 और 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका फिर 2 से कट कर लेंगे तो 15:8:3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या पता है, ये रेशो पता है 18,000 पता है टोटल प्रॉफिट है, इस रेशो को प्लस करिए 18,000 से भाग कर दीजिए और गुणा कर दीजिए जिसका भी आपको वैल्यू निकालनी है, ए की बी की जिसकी भी, ठीक है। तो 18,000 को 26 से भाग करेंगे, गुणा करेंगे 15 से, तो ए का आ जाएगा, बी का आ जाएगा, इसी तरीके से सी का आ जाएगा, निकाल लीजिएगा। एमआरपी आपको दे रखिए 150, दो लगातार डिस्काउंट दिए जाते हैं 12%, 12.5% और एक और दिया जाता है पता नहीं कितने का है वो। सेलिंग प्राइस दे रखिए 105 होती है, तो सेकेंड डिस्काउंट की परसेंटेज आपको बतानी है। आप मुझे ये बताइए जो सेलिंग प्राइस हुआ होगा वो 2 डिस्काउंट देने के बाद में होगा, इसका मतलब 150 पे एक तो आपने 12.5% का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना आया आपने 18.75 का आपने एक डिस्काउंट दिया, तो 150 में से 18.75 का माइनस करिए, माइनस करेंगे कितना आया भाई इसमें से 131.5 हो गया, बट आपने चीज़ 131.25 में नहीं बेची है, आपने 105 में बेची है, तो इसमें से 105 माइनस करिए यानी कि 26.25 का आपने डिस्काउंट दिया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे था कि प्रिंसिपल अमाउंट आपकी 4600 है, टाइम आपका 5 ईयर का, रेट आपका 4.5 है, सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल ही है, 40 × 4.5 × 5 करेंगे अपॉन में 100 करेंगे, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे एक और बढ़ जाएगी 0, तो यहाँ पे ये आपका कट जाएगा, देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, आपका 1035 राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ए बी के दिन में 36 यूनिट काम करते हैं और 104 दिन में पूरा होता है, तो अगर बी 1/3 काम करे तो टोटल कितना कार्य किया, तो ए बी 36 यूनिट वर्क करते हैं एक दिन में, ठीक है, 1 डे वर्क है, टोटल वर्क कंप्लीट इन 14 डेज यानी कि 104 दिन में टोटल वर्क होता है, तो टोटल वर्क कंप्लीट होता है 100, देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ए बी किसी काम को 36 यूनिट करते हैं, ए बी एक दिन में 36 यूनिट वर्क करते हैं, टोटल वर्क आपका 104 दिन में कंप्लीट होता है, तो टोटल वर्क था कितना, 36 की गुणा 104 में कर देंगे ना, टोटल वर्क ये था। अब पूछा है यहाँ पे कि बी अगर 1/3 वर्क करता है तो ए ने टोटल कितना कार्य किया, तो 1/3 करता है यानी कि टोटल वर्क होता है हमारा 1 में से 1/3 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 2/3, तो 3744 जो यहाँ पे टोटल वर्क है उसका 2/3 निकाल लीजिए, 2496 आ जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैंने आज की वीडियो भी कंप्लीट कर ली है, बड़ी मेहनत लगी है, तो आप एक लाइक तो जरूर करिएगा। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, यहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर दूंगा, सॉरी अपलोड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। और वहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप ज्वाइन नहीं है तो सबसे पहले टेलीग्राम डाउनलोड करिए, उसके बाद वहाँ पे टॉपिक स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर आप ज्वाइन है तो वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करते रहिए, बहुत सारी पीडीएफ मैं डेली अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, थैंक यू सो मच, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।